हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द किचन रोस्टर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कलाकंद की रेसिपी, जो कि बिल्कुल इंस्टेंटली रेडी हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 250 ग्राम ग्रेटेड पनीर लेंगे, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 150 ग्राम कंडेंस मिल्क, और यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम और पिस्ता ले रहे हैं। देखिए तो हमने कढ़ाही ले ली है, उसमें अब हम ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड करेंगे। अगर आप पनीर को ग्रेट नहीं करना चाहते तो आप उसे मैश करके भी ले सकते हैं। अब हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, मिल्क पाउडर भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कंडेंस मिल्क की रेसिपी आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ घर में तैयार कर सकते हैं। चलिए तो सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, पर यहाँ गैस को हमें अभी भी ऑन नहीं करना है। देखिए तो अब हमने गैस को ऑन कर लिया है। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है और इस मिक्सचर को कंटिन्यूसली चलाते रहना है, जिससे कि ये चिपके ना। इस मिक्सचर के गाढ़े होने तक हमें इसे पकाना है, जिससे कि बर्फी जमाने की कंसिस्टेंसी में आ जाए। देखिए तो ये मिक्सचर काफी गाढ़ा हो चुका है, और हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमें इस कलाकंद के मिक्सचर को ज्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि अगर हमने इसे ज्यादा देर पका दिया तो उससे ड्राइनेस आ जाएगी हमारी बर्फी में। अब इसी स्टेज पे हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इस मिक्सचर को निकाल लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमने एक प्लेट ले ली है, जिसको हम अच्छे से घी से ग्रीस कर देंगे। चलिए तो इस प्लेट में अब हम कलाकंद का मिक्सचर ऐड कर देते हैं, और मिक्सचर को हमें अच्छे से इवन कर लेना है। अब हम ड्राई फ्रूट ऐड कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट को हम अच्छे से बर्फी पे प्रेस कर देंगे, जिससे कि वो चिपक जाएं। अब हम अपने कलाकंद के मिक्सचर को 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि वो सेट हो जाए। देखिए तो हमारा मिक्सचर सेट होकर तैयार है। चलिए तो इसे अब हम पीसेस में कट कर लेते हैं। देखिए तो हमारा इंस्टेंट कलाकंद बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल से जुड़ी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।